नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पावर। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जाएंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो रहस्य के पावर को अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहला सीन देखते हैं जहां पर हम एस्टर को देखते हैं कैसी की बॉडी के अंदर और वो खाना प्रिपेयर कर रही थी। तभी हम देखते हैं पूरी टेबल एक तरह से टेलीपोर्ट हो जाती है फ्रेंच क्वार्टर के अंदर और हेली जाके देखती है और खाने लगती है और बोलती है आज कौन सा फाइव स्टार रेस्टोरेंट का शेफ को कंपेल करके बुलाया खाना बनाने के लिए। और तभी क्लाउस बोलता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, शायद अलाइजा ने किया हो। बट तभी हम देखते हैं अलाइजा दूसरी तरफ से आता है और बोलता है मैंने भी कुछ नहीं किया है। और तभी हम देखते हैं प्लेट की लिट ओपन करता है क्लाउस और देखता है वहां से दो बर्ड उड़ने लगते हैं और ये देख के हैरान थे सब लोग। और तभी एक लेटर मिलता है और तभी हम देखते हैं जैसे हिली पूछती है किसका था, हम देखते हैं अब क्लाउस को गुस्सा आता है और बोलता है कि मॉम ने हमको इनवाइट किया है और ये कहने के बाद गुस्सा हो जाता है। अब फिर हम देखते हैं निकलाउस एक फ्लैशबैक का सीन सोचने लगता है और रिमेंबर करता है अपनी मॉम को जहां पर वो छुप के बैठ चुका था क्योंकि उसके फादर उसे हेल्थ पे ले जाना चाहते थे जिससे वो डर रहा था। और हम देखते हैं वुड्स में जाके कहीं छुप चुका था। वही हम देखते हैं उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए आ जाती हैं और आने के बाद बोलती हैं कि अगर तुम डरते हो तो ये याद रखना जब भी ये बर्ड्स आसपास तुम्हारे गाने लगे ना तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ क्योंकि ये मेरी मदर ने मुझे सिखाया था और मैं इन बर्ड्स को यहाँ पर तुम्हारे लिए लेके आ चुकी हूँ और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। और तुम जब भी अकेला फील करो और ये बर्ड्स तुम्हारे आसपास हो तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। और ये कहने के बाद उसे मोटिवेट करती है और यही बर्ड्स निकले थे उस प्लेट के अंदर से भी। अब फिर हम देखते हैं हिली जो क्लाउस के पास थी और वो बोलती है कि तुम्हारी मदर खतरनाक है और उसने अगर फिर से मेरे बच्चे पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं उसको मार डालूंगी, उसकी बॉडी को अलग कर दूंगी उसकी आत्मा से। बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे आ जाता है अलाइजा और बोलता है इस बार मेरी मॉम को मारने की कोशिश भी मत करना क्योंकि वो किसी और बॉडी में जंप कर जाएंगी, उससे पहले हमें पता तो है उसको किस बॉडी के अंदर है और हमें एक प्लान करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कौन सा प्लान करना पड़ेगा, जैसे वो पहले हम सबको मारने का ट्राई कर चुकी है फिर से करे उससे पहले हमको कुछ प्लान करना होगा। और तभी हम देखते हैं अलाइजा टाइम देखते हैं बोलता है अब तो उससे बुरा होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो और ये कहने के बाद चला जाता है वहां से। अब फिर हम अलाइजा को देखते हैं जो सीधा पहुंचता है मार्सल के पास और पहुंचने के बाद बोलता है कि जिया को तुम ही संभालो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट मुझे एक विच के बारे में पता करना है जो एक स्पेल कर सके। और ये कहने के बाद मार्सल बोलता है मेरे पास तो कोई नहीं है और रही बात डवीना की, वो तुम्हारी हेल्प क्यों करेगी, वो अंडरग्राउंड हो रखी है और ऊपर से उसके पास माइकल भी है। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उस विच का जिसने तुम्हारी लाइब्रेरियन की ये रिंग बना के दी है। और ये कहने को बोलता है वो तुम्हें पता चल गया इसका मतलब। और तभी वो जिया को बुलाता है और बोलता है जिया ऐसा करो अलाइजा को लिनोर के पास लेके जाओ। और लिनोर का नाम सुनने के बाद अलाइजा बोलता है तुम पागल हो गए हो, मजाक कर रहे हो। और ये कहने के बाद मार्सल बोलता है हर किसी को इकट्ठा कर लो जितने लोग हो सके क्योंकि माइकल वापस आ चुका है, तुम्हारी माँ वापस आ चुकी है, कोई बड़ी गड़बड़ होने ही वाली है। और ये कहने के बाद उसे वॉर्न करता है। अब फिर हम ओलिवर को देखते हैं जो बार में बैठ के वेट कर रहा था कैसी का, बट हम देखते हैं वहां पर विंसेंट आ जाता है जो रियल में फिन है और आके बैठ जाता है और बोलता है कैसी तो नहीं आ पाएगी बट जो तुम्हें चाहिए मैं लेके आ चुका हूँ। और रिंग दिखाता है और बोलता है कैसी ने कुछ काम बोला है वो तुम्हें करना पड़ेगा। और ये कहने को ओलिवर बोलते हैं मैं तुम्हारी बात सुनू क्यों वैसे भी और तुम सेकंड इन कमांड हो, मुझे सीधा कैसी से बात करनी है। और तभी विंसेंट को गुस्सा आता है और उसकी एकदम दर्द करता है ब्रेन में और कहता है अगली बार से बकवास मत करना, ये तुम्हें रिंग फ्री में नहीं मिल रही है, तुम्हें इसका भार चुकाना होगा। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और उसको रिंग दे जाता है। तभी हम देखते हैं रिंग लेने के बाद सीधा फोन करता है वो हिली को और सारी बात बताता है। अब फिर हिली बोलती है कि चलो मैंने ओलिवर को नहीं मारा तो कुछ फायदा ही तो हुआ, मुझे पता चला है कि तुम्हारी मॉम के साथ कोई और भी मिला हुआ है दूसरी विचेस जिसकी वजह से सब होने लग रहा है। और ये कहने के बाद बोलता है मेरी मॉम ना मुझे पता ही था और ऊपर से मेरी मॉम ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हैं, हम 6 भाई थे। और तभी हिली बोलते नहीं तुम 5 थे, नहीं बोलता एक मेरे होने से पहले ही मर गया था, दूसरा मेरे होने के बाद मेरे वेयरवुल्फ पैक ने मारा था जिसकी वजह से मेरे फादर ने मेरे रियल ओरिजिनल फादर को उनकी फैमिली को खत्म कर दिया था जिससे मेरी मॉम का दिल भी टूट चुका था और इसी वजह से थोड़ी पागल टाइप हो गई थी। और ये कहने के बाद हेली बोलती कितना कुछ सहा तुम्हारी माँ ने, 2 बच्चों की मौत और लवर का खो जाना, मैं तो होप को थोड़ी देर के लिए दूर रखा हुआ है तभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अगर उसकी मरने की खबर आए तो मैं पागल ही हो जाऊं, तुम्हारी मॉम इसी वजह से है क्योंकि वो इतना सब झेल चुकी है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलते हैं तभी मेरे सारे सिबलिंग कहा करते थे मॉम थोड़ी पागल टाइप है बट मुझे लगता था ऐसा नहीं है बट अब लगने लगा है। और ये कहने के बाद हेली पूछती है तो तुम्हें अभी क्या लगता है वो कैसी है, वो बोलता है अब तो मुझे खुद भी नहीं पता, वो शायद हमें मारना भी चाहती है नहीं भी, पता नहीं क्या है।
और ये कहने के बाद टेंस होने लगता है, और तभी हेली बोलती है हर अच्छी स्टोरी के पीछे एक विलन विच तो होनी चाहिए, और ये सुनने के बाद क्लाउस एग्री करता है और टेबल रेडी करता है आज शाम के डिनर के लिए। अब फिर हम अलाइजा को देखते हैं जो उस नई वैम्पायर जिया के साथ जा रहा था एक विच से मिलने के लिए जो नदी के पार रहती थी, और उससे मिलने के बाद हम देखते हैं वो बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बिजी हूँ, बट फिर भी हम देखते हैं ओरिजिनल उसके पास जाता है और बोलता है तुम्हारी कम्युनिटी तुम्हारे पास नहीं रहती है, तुम अकेले रहती हो और कई बार गड़बड़ भी कर चुकी हो, बट मुझे तुमसे एक क्वेश्चन है तुम बता सकोगी? और तभी विच बोलती है हाँ जल्दी बोलो मेरे पास टाइम नहीं है। तभी बताते हैं कि विच के बारे में पता करना है जो बॉडी स्विच कर रही है बहुत लंबे टाइम से, और मुझे पता करना है कि वो अगली बॉडी किसके अंदर जंप करेगी, और ये कहने को बोलती है पक्का पता लगा सकती हूँ बट थिंग इज उसके लिए दो चीज चाहिए, विच के बारे में कुछ जानकारी उससे जुड़ी चीज और एक पाइथन चाहिएगा। और ये कहने के बाद जिया बोलती ये सब चीजें क्यों चाहिए, और तब एलाइजा बोलता तुम बताओ विच और क्या क्या चाहिए, बोलती हाँ ये दो चीजें चाहिए मुझे और तब फिर मैं पता लगा सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं अलाइजा वहां से जाने लगता है और बोलता है जिया तुम पाइथन का इंतजाम करो, और तभी जिया बोलती है पाइथन कहाँ से लाऊं अब मैं, और बोलता है माइंड कंपल्शन सीखो आंखों से माइंड कंपल्शन करो, एक पाइथन लेके आओ और मैं यहाँ से चलता हूँ, और वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं जिया बोलती है आंखों से कैसे माइंड कंपल्शन होता है क्योंकि वो नई वैम्पायर थी और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी। तभी फिर हम देखते हैं वहां पर फिन आता है जो विंसेंट की बॉडी में है, और आने के बाद उस विच के पास जाता है जिससे अभी अलाइजा कुछ सजेशन लेके गया है, और हम देखते हैं वो देख के विच बोलती है तुम्हें मैं हेल्प कर सकती हूँ, और ये कहने को विंसेंट लाफ करता है और बोलता है पक्का कर सकती हो, और उसे उठा लेता है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो सीधा जाता है मार्शल के पास और बोलता है कि मैंने तुम्हें बचपन में एक चीज दी थी शायद तुम्हें याद हो, एक बर्ड का नेकलेस, और ये कहने को बोलता है हाँ मुझे याद है जब मैं 11 साल का था, और तभी क्लाउस बोलते हैं तुम्हें याद है, बोलता है हाँ याद है, बट थिंग इस टाइम पे माइकल वापस आ चुका है, अलाइजा पूरे फैमिली ड्रामा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और तुम उस चीज के पीछे पड़े हो, और ये कहने के बाद बोलता है उससे कुछ जुड़ी हुई है मेरी यादें, और तभी हम देखते हैं उसको देखने लगता है। फिर हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं एस्ट्रा देती है अपने बेटे क्लाउस को वही नेकलेस और बोलती है तुम्हारे लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे जो विचेस कम्युनिटी में है वो बर्ड बहुत ही ज्यादा मैटर करती है और हम भटके लोगों को रास्ता दिखाती हैं लैंड तक का, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ गए थे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कुछ ही दिन बाद अपने बच्चे के साथ डांस कर रही थी एक रिचुअल के अंदर, और वही हम देखते हैं पूछती है क्लाउस तुम्हारा नेकलेस कहाँ है, और हम देखते हैं उसने घुमा दिया था, और ये देखने को टेंस होता है, और हम देखते हैं फिन जो दूर बैठा हुआ था और सब देखने लग रहा था बोलते हैं मदर मेरे पास है, और तभी उसको लाके देता है, और हम देखते हैं क्लाउस से थैंक यू कहलवाती है अपने बड़े भाई फिन को, और तभी हम देखते हैं फिन ज्यादा खुश नहीं होता क्लाउस को इतना अट्रैक्शन देते हुए, और वही हम देखते हैं उस मोमेंट पे एस्ट्रो को अपने सबसे बड़ा बेटा फिन सबसे ज्यादा पसंद था। तभी फिर प्रेजेंट टाइम में मार्शल बोलता है कि तुम्हें नेकलेस क्यों दिए जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया था, और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मार्शल पूछना भी मत हमारे फैमिली ड्रामा के बारे में और ये इंपॉर्टेंट है बस तू इतना जान ले, और ये कहने के बाद उसे वो ले लेता है। अब फिर हम देखते हैं एस्ट्रो को विंसेंट के साथ जो रियल में फिन है और बात करने लगते हैं कोल के बारे में, उसने नई बॉडी के अंदर है और वो बात किसी को नहीं पता चली है, बट थिंग इज वो डिवीना को पटा नहीं पा रहा है पूरी बात कर नहीं पा रहा है जिसकी वजह से वो उसके कंट्रोल में नहीं आ रही है और शायद वो डिनर पे भी आज नहीं आ पाएगा, और ये कहने के बाद बोलती है तुम्हारे भाई से नहीं हो पाएगा बट तुम और बताओ ये दोनों भाइयों ने इन्विटेशन लेने के बाद क्या किया है, बोलता है उन दोनों ने तो पूरे दिन से तैयारी करनी शुरू कर दी है और दोनों भाई घर में टिक ही नहीं रहे हैं बाहर घूम रहे हैं कुछ तो उनका प्लान है, और ये कहने को बोलती है हाँ मुझे पता है दोनों भाई बहुत ज्यादा तेज हैं और अब इस विच का क्या करें, और बोलता है कि मैं इससे निपटू क्या माँ, बोलते नहीं तुम मत निपटो इसको ओलिवर के हाथों सौंप दो वो अपने आप इससे बदला ले लेगा और इसे समझा देगा ये कुछ ज्यादा ही मूडी और स्टबर्न बन रही हो तो, और ये कहने के बाद बोलती है वो दोनों भाई बहुत ज्यादा तेज हैं वो कुछ तो प्लान करेंगे बट फिन तुम्हें तैयार होना पड़ेगा उन सब चीजों के लिए जो भी वो ट्राई कर रहेंगे। तभी फिर हम देखते हैं विंसेंट सीधा जाता है ओलिवर के पास और बोलता है तुझे इसको टॉर्चर करना है पता लगाना है कि आज जब एलाइजा आया था उसने क्या डील करी है, और ये देखने के बाद ओलिवर को उसके पास छोड़ जाती है टूल्स के साथ जिससे उसे टॉर्चर कर सके, और तभी हम देखते हैं ये सोचकर ओलिवर को अच्छा नहीं लगता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हेली को बताता है, और वही हम देखते हैं हेली डिस्कस करती है अलाइजा और क्लाउस के साथ कि उसकी मदर ने एक और स्टेप ले लिया है और उस विच को उठवा लिया है। फिर क्लाउस बोलता है हमको भी अपना प्लान रेडी रखना चाहिए और हमको उस विच को बचाना है, और ये कहने के बाद हेली बोलती है कि मैं उस विच को छुड़ा के लाती हूँ ओलिवर के पास से वो आराम से दे देगा, तुम ऐसा करो मुझे नेकलेस दो मैं वहीं पर स्पेल स्टार्ट करवा दूंगी, और ये कहने के बाद हम देखते हो दे देता है बट वहां पर एलाइजा मना करता है कि हेली को अकेला मत जाने दो, बट तभी हेली बोलती है मेरी फालतू की चिंता करनी छोड़ो वैसे भी तुम करते नहीं हो और मुझे जाने दो, और हम देखते हैं वहां से जाने लगती है और तभी एलाइजा उसे रोक के बोलता है ऐसा करना मार्शल की जो नई वैम्पायर है जिया उसे तुम्हें एक इंग्रेडिएंट लेना है, और ये कहने के बाद वहां से वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्लाउस पूछते हैं तुम्हारे बीच में कोई गड़बड़ चल रही है क्या एलाइजा,
और तब एलाइजा बोलता है ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप संभाल लेगी और वहां से चला जाता है। वही हम देखते हैं जिया ने सांप दे दिया था और बोलती है तुमने मुझे एक पाइथन देने के लिए कहा और ये मेरा पहला दिन का लेसन था। और ये कहने के बाद गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि एलाइजा ने मुझे ढंग से ट्रीट भी नहीं किया और मुझे कंपेल करने के लिए बोला, वो मुझे पता नहीं क्या होता क्या है। और ये कहने के बाद मार्शल हंसता है और बोलता है कि वो तुम्हें सिखाने की कोशिश करता है बट उसका अंदाज अलग है। और ये कहने के बाद जिया बोलती है मैं समझ पा रही हूँ तुम्हें उससे कुछ चाहिए बट वो तुम्हें नहीं दे पा रहा है इसलिए तुमने मुझे आगे कर दिया। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हमारे कनेक्शन अच्छे बने, इस वजह से मैंने तुझे उसके पास भेजा। हमारे कनेक्शन अच्छे बनेंगे तो हमको फैमिली मानेगा, क्योंकि पहले एक बार मैं गड़बड़ कर चुका हूँ बट अब मैं समझ चुका हूँ ओरिजिनल एक अपनी तरफ होना चाहिए। क्लाउस तो अपनी वेयरवुल्फ के पीछे पागल हुआ पड़ा है, एलाइजा अपने पुराने जमाने की चीजें अपनी फैमिली को लेके बैठा है, अगर हम उसे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लें तो हमको भी फैमिली मानेगा जिससे हमारा ही भला होगा। और ये कहने के बाद समझाने की कोशिश करता है और बोलता है जिया तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे 200 साल से जानता हूँ, कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है, तुम्हें इरिटेट कर देगा और कभी कभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला देगा, बट एलाइजा अगर तुम्हें जरूरत है तो हेल्प जरूर करेगा और जो तुम्हें है इस टाइम पर, और इसलिए जैसा मैं कहता जाऊं वैसे करती जाओ, बी सिंपल, बी योरसेल्फ और उससे हेल्प लो और हमारी दोस्ती अच्छी बनेगी। और ये कहने के बाद समझाता है उसे। अब फिर हम देखते हैं एलाइजा ने सूट पहनने के लिए कहा था क्लाउस को और क्लाउस बोलता है पागल हो गए क्या, मैं क्यों सूट पहनने लगा। और तभी एलाइजा बोलता है माँ आने वाली है मिलने के लिए, थोड़ा इंप्रेशन जमा लो, पता कर लो आ किस ले रही है। और तभी बोलता है ये सूट पहन के तो मैं लॉयर लग रहा हूं, मुझे लॉयर नहीं लगना है पहली बात तो, और ऊपर से माँ ने अपनी पहले वाली कोई हरकत की तो इस बार जो उसकी बॉडी होगी उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला उसको। और तभी हम देखते हैं हंसते हुए आता है फिन जो विंसेंट था और बोलता है कि वाह वाह पहले जैसे हुई तुम, एग्जैक्ट वैसे की वैसे, कुछ चेंज नहीं हुआ तुम दोनों के अंदर, पहले जैसे ही हो तुम क्लाउस, डरे हुए, गुस्से से भरे हुए और हेट से भरे हुए, तुम में कुछ चेंज नहीं हुआ है। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम दोनों हर टाइम पे कैसे भी हो जाओ, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, तुम आखिरी में वो दोनों इविल रहने ही वाले हो, और ऊपर से इतना लंबा टाइम हो गया तुम दोनों को देखे हुए, तुम में कुछ नहीं बदला है। और ये कहने के बाद एलाइजा उसके पास जाता है तो बोलता है वेट अ मिनट, और तभी हम देखते हैं पीछे खड़ा क्लाउस बोलता है वेलकम माय ब्रदर फिन। और ये कहने के बाद बोलता है चलो डिनर स्टार्ट करते हैं, और हम देखते हैं दोनों भाई फिन को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी हम देखते हैं फिन बोलता है आज तो बड़ा अमेजिंग ओकेजन है जो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ऊपर से मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुमने मुझे 300 सालों तक उस डिब्बे में बंद रखा, हाँ 300 सालों तक, तुम क्या सोच रहे थे उस टाइम पे। और ये कहने पर थोड़ा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देता है और फिर बोलने लगता है तुम दोनों इतने लंबे टाइम से जिंदा रहे हो, तुमने करा क्या है दोनों भाइयों ने, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया है, कोई मेडिसिन प्रिपेयर की है या फिर कोई आर्ट, कुछ फिलोसफी, कुछ तो किया होगा तुमने इतने सालों में, या फिर सिर्फ टाइम भर तुम लोगों को मारते ही रहे हो दोनों। और ये कहने के बाद दोनों को डांटता है उनकी बेकार लाइफ के लिए। तभी हम देखते हैं ये सारी बकवास सुनने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ ये बकवास तो हो गई है बट थिंग इज लास्ट टाइम मैं तुझसे मिला था तू माँ के साथ मिलके हम सबको मरवाने वाला था और वैसे भी उनके आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि इस टाइम पे फिन दो चेयर खाली करवाता है और साफ करवाता है। और ये देखने के बाद बोलते दो कौन आ रहे हैं, बोलते एक तो मदर है और दूसरा जो पैरानोइड वाला है, थोड़ा साइको टाइप है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, वो भी आने वाला है। और ये कहने के बाद बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर कोल आ जाए, उसकी ईगो से बड़ा तो उसके लिए कोई भी नहीं है। और ये कहने के बाद फिन बोलता है देखा तुम्हें भी लगता है बट थिंग इज उसने भी माँ की बात सुनी, सबसे ज्यादा एंगर इश्यू वाला कोल वो भी माँ की बात सुन रहा है और हमारी बात के अंडर काम कर रहा है, तुम सोच लो माँ कितनी अमेजिंग है जिसके खिलाफ तुम बोलने लग रहे हो। और फिर क्लाउस बोलता है कि तेरी इतनी बकवास तो सुन ली बट थिंग इज तुम इमोर्टल नहीं हो और तुम मोटल हो, एक मिनट में मार सकता हूं तुम्हें। और तभी एक चाकू फेंक के मारता है साइड वाली चेयर पे। और ये देखने के बाद हम देखते हैं फिन बोलता है कि ऐसे मारामारी शुरू मत करो, पहले बड़े को तो मौका दो कुछ करने का और हमको बहुत कुछ डिस्कस करना है बैठकर। और ये सुनकर क्लाउस और एलाइजा थोड़े टेंस थे। अब फिर वही हम देखते हैं फिन और गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि तुमने क्या किया मुझे 900 इयर्स बॉक्स में रख के, मानता हूँ क्लाउस तो ऐसा है, एलाइजा मैंने तुझसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। और तभी एलाइजा बोलता है तूने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोल दिया, थिंग इज तू फादर के जैसा ही था, तेरे में कोई फर्क नहीं था, बस इतना ही फर्क है कि वो हमको स्लॉटर करता था, तू फालतू का ज्ञान छाटता था, तू कभी भी सुपर नेचुरल बनना ही नहीं चाहता था और तू हेट करता था सुपर नेचुरल चीजों को, इस वजह से तुझे रास्ते से हटाना पड़ा। और अभी भी बता दे माँ कहाँ है क्योंकि हमको अभी पता करना है वरना कहानी खत्म करेंगे तेरी। और तभी हम देखते हैं वहां पर एस्टर आ चुकी थी और ये देख के सब हैरान थे कि वो लंबे टाइम से उस विच की बॉडी के अंदर थी। अब फिर उसकी माँ समझाने लगती है कि वो किसी भी बच्चे को हार्म नहीं करना चाहती है और बल्कि उन सबकी चिंता करती है और वो बेवकूफ थे जो सोचते हैं उनकी माँ उनको हार्म करेगी।
और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने हमेशा हमको हार्म करने की और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तभी हम देखते हैं उसकी माँ बोलती है, एलाइजा तुम खुद बताओ, क्या मैं गुस्सा नहीं करती थी जब इसके पापा इसको मारते थे, इसके ऊपर टॉर्चर करते थे, और हर बार मैंने कहा था कि अगर मेरे बच्चों को कुछ किया तो मैं सब कुछ भुला दूंगी और उसे रिवेंज लूंगी। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है, हाँ आपने कहा था ऐसा, क्या आपके लिए आपके बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और ये कहने के बाद वो दिन याद कराती है क्लाउस को जब वो बच्चा था और वहां पर उसने अपने फादर को रिवेंज के लिए कह दिया था और वहां पर उसकी सोर्ड फाइटिंग होने वाली थी। और हम देखते हैं उस फ्लैशबैक के मोमेंट पे जहां पर क्लाउस के आर पार वो तलवार हो चुकी है जिसको उसकी मां निकालती है और बोलती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत क्यों थी। और तभी वो बताता है कि उसके फादर ने उसे तलवार मारी है क्योंकि मैं उसे प्रूव करना चाहता था कि मैं वर्थ इट हूं, बट उसने मुझे लड़ाई के लिए बुलाया और मैं लड़ने गया, मैंने उसको बहुत सारे कट मारे और उसने मेरे अंदर एक तलवार घोंप दी, बट मैंने ये नेकलेस लेने नहीं दिया क्योंकि आपने दिया था एज अ गिफ्ट, और मेरे लिए ये सबसे ज्यादा मैटर करता था क्योंकि आपने मेरे लिए दिया था। और तभी हम देखते ये सुनने के बाद उसकी माँ बोलती है, जो भी तुमने किया अच्छा किया, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम जानती हो तुम्हारे फादर के रेज को, उसके आगे मत आया करो। और ये कहने को मना करती है और उसके बेटे को सपोर्ट कर रही थी। और ये सब सोच के अब क्लाउस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा था उस नेकलेस के बारे में सोच सोच कर। तभी फिर क्लाउस को समझ आता है, वेट अ मिनट, जब तक मैंने वो नेकलेस पहने रखा तब तक मैं हार रहा था। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुमने वो नेकलेस मेरी प्रोटेक्शन के लिए नहीं दिया था, मुझे वीक करने के लिए दिया था, कैसी माँ हो तुम। और तभी हम देखते हैं उसकी मॉम बोलती है, तुमने अगर अपने फादर या किसी और को मार दिया होता तो तुम अपना कर्स एक्टिवेट कर लेते और हमारी फैमिली का क्या होता, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लाउस को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी माँ ने उसे बिट्रे किया था। फिर हम देखते हैं अब क्लाउस और चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं वीक रहा हमेशा, फादर को लगता था कि जो मैं वीक हूं वो मैं स्टार्टिंग से हूं, बल्कि उस नेकलेस की वजह से वीक था। और तुमने क्या किया, तुम एक मॉन्स्टर हो, आज जो मैं मॉन्स्टर हूं उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से मैं आज लाइफ में ऐसा हूं। और ये कहने के बाद अपनी मॉम को बहुत कुछ भला बुरा कहने लग रहा था। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो बेहोश हो जाती है और एलाइजा उसे आके पकड़ लेता है। वहीं हम देखते हैं हेली को जो पहुंच चुकी थी इस विच के पास और विच को छुड़ाती है और सांप को लेके आ चुकी थी। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे ओलिवर बोलता है कि क्या करेंगे हम, इसको छोड़ देंगे तो मुझे पकड़ेंगे। और तभी ओलिवर बोलता है, ओके मैं समझ गया, हेली तो मुझे मार के ले जाओगी इसे, जिससे कि लगे कि मुझे मारा गया है और फिर इसे छुड़ाया गया है, ओके मारो बट फेस पे मत मारना। और तभी हम देखते हैं हेली उसको मार के बेहोश करती है और वहां से उस विच को लेके जाती है और बोलती है तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। बट तभी विच बोलती है, तुम कौन सा माइकलसन हो जो मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और तभी बोलती है, हाँ मैं वुल्फ हूं और मैं एक हाइब्रिड हूं। और तभी विच बोलती है, अच्छा तुम उस बच्चे की माँ थी और मुझे बहुत बुरा लगा उसका सुन के, किसी भी माँ को अपना बच्चा ऐसे खत्म होते हुए नहीं देखना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये कहने को बोलती है, हाँ मुझे भी नहीं देखना था, बट थिंग इज आपको हेल्प करनी पड़ेगी और वो स्पेल स्टार्ट करो। और तभी वो विच बोलती है, वो तो पक्का करने वाली हूं मैं, उन बंदों ने मुझे मारा, किडनैप किया, तुम नहीं बोलती तो भी मैं उनके खिलाफ बदला लेती। और ये कहने के बाद बोलती है, मेरी जगह पे चलो, वहां पर स्पेल करेंगे। तभी हम देखते हैं अपनी जगह पे आने के बाद बोलती है, मैं यहाँ पर कंफर्ट हूं, और यहाँ पर स्पेल स्टार्ट करती है और बोलती है, कोई तो रीजन है कि वापस आ चुकी है एस्टर, ऐसे नहीं आने वाली थी वो। और ये कहने के बाद हेली बोलती है, फिर क्यों आई है वो, हमको भी पता करना है। बोलता है, शायद अपने प्यार के लिए आई है, उसका जो प्यार है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से वो आई है। और तभी हम देखते हैं उस सांप को काटती है, उसके अंदर से ब्लड लेती है और स्पेल स्टार्ट करती है और बोलती है, ये बहुत ही पावरफुल ब्लैक मैजिक है जो मुझे करना पड़ेगा एस्टर का पता लगाने के लिए कि उसकी नेक्स्ट बॉडी कौन सी होने वाली है। तभी हम देखते हैं वहां पर फिन एकदम समझ गया था क्या हो रहा है और वहां पर जो ग्लास वॉच रखी थी उसमें से सारी सैंड खत्म हो चुकी थी। और हम देखते हैं अब एस्टर की बॉडी ट्रांसफर हो चुकी है किसी और बॉडी में। और वही हम देखते हैं विच मैजिक करते करते एकदम थक जाती है और हम देखते हैं जैसे ही देखने लगती है हेली बोलती है, क्या हुआ तुम्हें। और तभी हम देखते हैं एस्टर वाला मार्क उसके हाथ पे आ चुका था और ये देख के बोलती है, तुम एस्टर हो, तुम इस बॉडी के अंदर आ गई हो। और तभी हम देखते हैं एस्टर स्माइल करने लगती है। फिर वही हम देखते हैं और लड़की होश में जाती है कैसी, और हम देखते हैं क्लाउस उसकी गर्दन दबाता और बोलता है, क्या प्लान है तुम्हारा। और हम देखते हैं उसको पता ही नहीं वो कहां पर है और ये रियल कैसी थी। और तभी हम देखते हैं वो डरने लगती है और ये देख के एलाइजा बोलता है, ये तो सिर्फ एक पपेट है, वो जा चुकी है हमारी माँ, और ये सिर्फ कैसी है। और ये कहने को छोड़ने कहता है और वहीं हम देखते हैं इस मोमेंट पे पीछे हटने लगती है और उसके पास फोन आता है एलाइजा का और बोलता है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, शायद वो हेली के पीछे ना चली जाए। और वहीं हम देखते हैं हेली एलाइजा का फोन उठाती है और बोलती है, एलाइजा मैं उस विच की शॉप पे हूं। और ये कहते हैं फोन काटती है और बोलती है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है मेरे लिए। और तभी हम देखते हैं अब हेली बोलती है एस्टर से, हाँ मैं समझ गई, तुम उसको यहाँ पर बुलाना चाहती हो ना।
और ये कहने के बाद एस्टर बोलती है स्टार्टिंग से तो यही मेरा प्लान था जो कामयाब भी हो रहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अब क्लाउस और अलाइजा बहुत गुस्से में थे और क्लाउस बोलता है अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ या फिर हिली को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको हेल में लेके जाऊंगा, मां नहीं वो हमारी दुश्मन है। और ये कहने के बाद वहां से भागते हुए जाने लगते हैं सीधा उस विच की शॉप के अंदर और वहां पर क्लाउस बहुत गुस्सा था। अब फिर हम देखते हैं एस्टर को जो बात कर रही थी हिली से और बोलती है जब से तुम मेरे बेटों की लाइफ में आई हो वो दोनों खुश रहने लगे हैं और शायद किसी हद तक सुधर भी गए हैं और बच्चे की न्यूज के बाद तो और भी ज्यादा खुश थे। बट द थिंग इज जितने वो डार्क और इविल हैं उसको बच्चा कहीं भी सही नहीं कर सकता है और जो तुम्हारी होप है वो खत्म हो जाएगी एक दिन, वो इविल के इविल ही रहेंगे और शायद मैं कुछ सही कर सकूं हेली, जैसे कि तुम्हारी हाइब्रिड बॉडी। और तभी हेली बोलती है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी अच्छी मदर थी नहीं जो तुम अपने आप में बन के दिखा रही हो। और ये कहने के बाद बोलती है ये तो बहुत ही शर्म की बात हो जाएगी अगर ऐसा मदर तुम मेरे से कह रही हो तो। और ये कहने के बाद हेली बोलती है तुम यहां से जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बट तभी हम देखते हैं वो हिली से बोलती है कि मैं तुम्हारी इस हाइब्रिड बॉडी से तुम्हें मुक्ति दिला सकती हूँ जिससे तुम्हें एक नॉर्मल बॉडी मिले, वहां पर तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारी फैमिली क्रिएट हो, सब कुछ अमेजिंग हो सकता है चाहो तो। और तभी हम देखते हैं पीछे से क्लाउस और अलाइजा आ जाते हैं और बोलते हैं हेली माँ की एक भी बात मत सुनना, ये डेविल है। और तभी हम देखते हैं अलाइजा को और क्लाउस को रोकती है उसकी माँ और बोलती है तुम दोनों दूर रहो तो ज्यादा बेटर अपने स्पेल से। और हम देखते हैं ये देखने के बाद बोलता है कि तुम हमेशा लड़ने आती हो क्या, और तभी उसकी माँ बोलती है नहीं मैं लड़ने नहीं आई हूँ, मैं समझौता करने आई हूँ, तुम्हारी लाइफ बदलने आई हूँ, मैंने फिन एंड कोल की लाइफ बदल दी, आज वो खुश हैं और मैं अपने बच्चों का भलाई चाहती हूँ और फैमिली फिर से यूनाइट करना चाहती हूँ, बट तुम्हारे कर्स्ड वैम्पायर वाले रूप से तुम्हारी आजादी दिलाना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद हम देखते क्लाउस बोलता है हमको तुम्हारी डील कोई भी मंजूर नहीं है। और ये सुनने के बाद उसकी मास्टर को गुस्सा आता है और बोलती है तो फिर तुम भुगतो बट मैं सब कुछ सही करके रहूंगी। और तभी हम देखते हैं वहां पर बल्ब फूटने लगते हैं और वहां पर बर्ड्स का अटैक होता है जिससे ग्लास टूट जाते हैं और वहां पर पूरा ग्लास ही ग्लास हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उसकी मदर वहां से भाग चुकी थी और वापस वो फ्रेंच क्वार्टर में आ जाते हैं और बात करने लगते हैं हेली तुमसे क्या बात हुई थी। और तभी हेली बताती है कि वो होप देना चाहती थी हमें और लाइफ में कुछ अच्छा करवाना चाहती थी, मानती हूँ मैं भटक गई थी बट डोंट वरी मैं उसकी बात नहीं सुन रही हूँ, बट क्या करूँ होप मेरी बेटी उससे शायद पता है कि नहीं पता, दूसरी बात है मैं मेरे बच्चे से दूर हूँ और मुझे और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और वो वहां से चली जाती है और तभी क्लाउस बोलता है कि ये सारी हमारी मदर की वजह से हो रहा है, उसने मुझे वीक बना दिया और मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, हमको एक मॉन्स्टर बनाया है आज के टाइम में उसने और वो हमको मॉन्स्टर बताती है। और तभी अलाइजा बोलते हैं तुम कभी भी वीक नहीं थे भाई, तूने इस फैमिली को फिर से लेके चलने की कोशिश की है, हर बार तू फादर के खिलाफ खड़ा हुआ है, मदर के खिलाफ खड़ा हुआ है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, तूने अपना बेस्ट दिया है सब काम करने के लिए। और ये कहने के बाद उसको अप्रिशिएट करता है उसके हार्डवर्क के लिए, पर हम देखते हैं अपनी मदर को लेकर टेंशन था। अब फिर हम देखते हैं जिया को जो अकेली बैठी उस गाने को सुनने लग रही थी और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को, तभी हम देखते हैं अलाइजा जाता है और अलाइजा ड्रिंक करने लगता है और उससे बात करने भी लगता है। और तभी बताती है कि पहले मैं बजा सकती थी अब बजा नहीं पा रही हूँ, पता नहीं सब कुछ बदल गया है। तभी अलाइजा समझाता है वैम्पायर बनने के बाद तुम बदल जाती हो, तुमको रिदम्स ये सब जल्दी समझ नहीं आएगा और ऊपर से जो तुम वैम्पायर हियरिंग है तुम्हारी सेंस है वो सब इतनी फास्ट हो चुकी होगी, तुम्हें समझने में टाइम लगेगा और शायद मैं तुम्हें समझा सकता हूँ ये सारी चीजें। और तब बोलते तुम क्यों हेल्प करोगे, और ये कहने को बोलता है फैमिली एंड फ्रेंड्स को मैं लंबे टाइम से हेल्प करते आया हूँ तो तुम्हें भी कर दूंगा, और ये कहने के बाद उसे मोटिवेट करता है। अब फिर हम देखते हैं जिया वापस आ चुकी थी मार्शल के पास और मार्शल के पास आने के बाद बताती है कि तुम सही थे, वो मुझे हेल्प करना चाहता है और हर ब्रोकन चीज को सही करने की कोशिश करता ही है। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं बहुत सारे वैम्पायर टर्न कर दिए थे मार्शल ने। अब फिर हम एस्टर को देखते हैं जो नई बॉडी में आ चुकी थी विचकी में और वहां पर उसके पास पहुंच जाता है फिन और बोलता है कि तुम कैसे समझाओगी उनके पास इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है और अपने वैम्पायर को क्यों छोड़ेंगे। और ये कहने के बाद बोलते हैं उनको वैम्पायर बॉडी छोड़नी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैं उन्हें इतना तड़पाऊंगी उस लाइफ में, उनकी सारी प्यारी चीजें जिससे वो कनेक्टेड है सबको खत्म कर दूंगी, जैसे कि मैंने वेयरवुल्फ को पहले ले लिया है अब मार्शल के वैम्पायर पैक को ले लूंगी और उसके बाद उनसे जुड़ी हर प्यारी चीज को खत्म कर दूंगी जिसके बाद उसे बैक करना पड़ेगा मुझे, जिससे कि मैं उनकी लाइफ में से वो पेन हटा सकूं, वो जब लोवेस्ट पॉइंट पे होंगे और डार्केस्ट डीपेस्ट डिप्रेशन में होंगे तब मैं उन्हें हेल्प करूंगी, जब वो मुझसे बैक करेंगे कि मैं उन्हें ह्यूमन बना दूं और मैं उनसे प्यार करती हूं तो ऐसा कर भी दूंगी और यही मेरा प्लान है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। गाइस एस्टर इतना दिमाग चलाते हुए आ रही है, अपने बच्चों को तड़पाते हुए उनको प्यार दिखाती है कि प्यार कर रही है बट रियलिटी में वो टॉर्चर है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।